एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्याय प्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी वे छोटा बताएंगे वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वे गुस्से से राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 साथी आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तू सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 साथी आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीष्म वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वे अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि करवा के खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने खुटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खुटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हांकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मंदभाविनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वे अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी।
बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वे आश्चर्यचकित हुई। बीका ने उसे बताया कि वे उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खुटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कमरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहज ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मंदभाविनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीप माला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।